हेलो, गुड इवनिंग सब लोगों को। जितने लोग लाइव हैं सब लोग फटाफट मैसेज करें। और आपका क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। जो थर्मल का हमने यह स्टार्ट किया यहाँ पे, थर्मल में जो तीनों पार्ट होगा, जैसे कि आपका थर्मल में थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, आईसी इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से मेजर क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन बनकर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और फिर अगर हम बात करेंगे, जैसे कि आपका अगर थर्मल आप पढ़ लेते हैं तो इसका कहीं ना कहीं यूज आपको आईसी इंजन में भी दिखेगा, इसका कहीं ना कहीं यूज जो है आपको पावर प्लांट में भी नजर आएगा। और उसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को भी करेंगे तो वहां पे हम लोगों का अच्छे से होगा। फिर हम लोग सोम को करेंगे, इस तरह से जो जिसका वेटेज है उसके हिसाब से ही हम लोग करेंगे, जो चीज आपका पहले कवर हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो क्लास हो काफी अट्रैक्टिव क्लास हो। डिपेंड करेगा आप लोगों के इंटरेक्ट के ऊपर, आप लोग कितना इंटरेक्शन बनाते हैं इस क्लास को, कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो आपका क्लास है उसको हम लोग टेस्ट के जरिए यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, सब लोग इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपके सामने ये सिस्टम से रिलेटेड है, क्लोज्ड सिस्टम के बारे में बात किया गया है, सिंपल। और हम ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा तोप क्वेश्चन आपको हम करवाएं ताकि आपको वो एग्जाम से रिलेटेड ना हो। हम ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे जिससे कि बड़े से बड़े क्वेश्चन का अप्रोच आप ले पाए। वो छोटा से छोटा क्वेश्चन आपका तो बनेगा ही बनेगा, अब बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप अप्रोच कर पाएंगे। तो जितने तरह वेराइटी ऑफ जो कॉन्सेप्ट होगा वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में है आपका, एक क्लोज्ड सिस्टम इज वन, पूछा जा रहा है कि क्लोज्ड सिस्टम, जब क्लोज सिस्टम होता है तो उसके थ्रू जो मास ट्रांसफर होता है या फिर जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्या दोनों ट्रांसफर होता है, क्या ट्रांसफर नहीं होता है, इस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज है, जो टर्म है वो है हमारा सिस्टम का, पहला जो टर्म है वो है हमारा सिस्टम का टर्म है। सिस्टम को हम लोग समझते हैं, सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोले कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिस्टम, हम सिस्टम किसी को भी मान सकते हैं, अपने अनुसार हम सिस्टम किसी को भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा सिस्टम है, हम मान लेंगे कि ये हमारा सिस्टम है, हम मान लेंगे कि ये हमारा सिस्टम है। तो कोई भी चीज इस तरह से सिस्टम हो सकता है, लेकिन इसको तो हम सिस्टम बोल दिए। तो सिस्टम के अंदर जो भी चीज होगी उसका जो इफेक्ट होता है वो उसका सराउंडिंग होता है। ये वाला पार्ट इसका सराउंडिंग होगा, इसका इफेक्ट, यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हैं इसका इफेक्ट यहां तक अगर जा रहा है, और इससे बाहर अगर इसका इफेक्ट मान लेते हैं कि ये सिस्टम है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें जो भी चीजें हो रही है उसका इफेक्ट यहां तक अगर पहुंच रहा है तो इस सिस्टम के लिए ये सराउंडिंग हो जाएगा। और इस सराउंडिंग और इस सिस्टम को जो यहाँ पे एक बाउंड्री के थ्रू सेपरेट कर रहा होगा उसको हम लोग बाउंड्री बोला जाता है, इसको हम लोग बाउंड्री कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम से रिलेटेड टर्म को देखेंगे और फिर यहाँ पे इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो सिस्टम है वो आपका, तीन तरह के सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो आपका है कि ओपन सिस्टम, घबराएंगे नहीं, बेसिक से हम लोग चलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी जो लोग पढ़ चुके होंगे, जो लोग या मेरे से पढ़े हैं या जो लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे उनका अप्रोच और भी मजबूत हो जाएगा। तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये जरूरी नहीं है, आंसर जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट कब तक बना रहता है और एग्जाम में आपको उसको कितना कॉन्फिडेंस से करते हैं, ये मैटर करता है। तो ओपन सिस्टम पहला है, ओपन सिस्टम। दूसरा हम अगर बोले तो ये है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, ये हमारा क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा जो हमारा होता है, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यूज करते हैं, वो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अगर ओपन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम कहने का मतलब यह है कि उससे मास भी ट्रांसफर होगा उस सिस्टम से, और उससे एनर्जी भी ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। जैसे आप पावर प्लांट वगैरह में देखते हैं, टरबाइन होता है, पंप, पंप सिंपल सा एग्जांपल है, पंप देखिए, आप पंप से क्या करते हैं, लिक्विड को हैंडल करते हैं और लिक्विड को आप कहीं भी ले जाते हैं, पंप के थ्रू ले जाते हैं। तो जो पंप है उसमें देखते होंगे इनलेट,
फिर आउटलेट भी उधर होता है, यानी कि उसमें जितना आप 10 लीटर अगर मान लेते पंप पानी खींचा तो वो 10 लीटर बाहर भी करता है, इसका मतलब मास को ट्रांसफर कर रहा है। तो अब एनर्जी ट्रांसफर की अगर बात करेंगे, जैसे कि टर्माइन होता है वहां पे क्या होता है आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो इससे आपका क्या हो सकता है जो ओपन सिस्टम होगा वो हमारा मास ट्रांसफर भी करेगा और वो एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा। ऐसे सिस्टम को हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे, यानी इसमें मास ट्रांसफर भी होगा और इसमें आपका एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। इसका अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो एग्जाम्पल जैसे कि आप तो समझते हैं कि पंप होता है, कंप्रेशर होता है, टरबाइन होता है, ये सब जो है, ये सब जो देख रहे हैं आप, टरबाइन होता है, ये सब ओपन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो उसमें मास ट्रांसफर भी होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, डबल टिक का मतलब है दोनों ट्रांसफर होगा, ये दोनों ट्रांसफर होगा, मास भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी भी ट्रांसफर होगा। क्लोज सिस्टम क्या कहता है कि जो क्लोज है उससे मास ट्रांसफर नहीं होगा, उससे सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा, उससे एनर्जी ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, जो जो पिस्टन सिलेंडर है उसमें अगर विदाउट वेल्व लगा रहे, यानी कि वेल्व नहीं हो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हो, उसके अंदर कोई भी वेल्व नहीं हो, ये मान लेते हैं कि इस तरह से ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये पिस्टन, ये पूरा का पूरा पिस्टन है, इसके अंदर गैस है, ये सिलेंडर है, इस तरह से ये सॉरी ये सिलेंडर है आपका, इस तरह से ये पिस्टन है, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो भी चीज, इतना अगर मान लेते हैं कि इसमें 5 लीटर फ्यूल से है, तो जो फ्यूल्स है वो 5 kg फ्यूल्स है, तो वो फ्यूल्स 5 kg रहेगा, उसका कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। लेकिन देखते होंगे जो बाइक होती है उसमें क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, तो जब फ्यूल्स का दहन होता है, जब फ्यूल्स का कंबशन होता है, तो वो क्या करता है, अपना मास को इधर उधर ट्रांसफर नहीं करता है, वो जल करके बर्न करके उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वहां एनर्जी डेवलप होता है, वो एनर्जी आपको देखते होंगे कि गाड़ी को स्टार्ट करने में, यानी कि वहां पे खर्चा कर दे, तो इसका मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लें और वह विदाउट वेल्व का रहे, उसमें वेल्व नहीं लगा रहे, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हैं पिस्टन सिलेंडर, ये पिस्टन सिलेंडर विदाउट वेल्व होगा, विदाउट वेल्व, विदाउट वेल्व, वेल्व होगा तो मास ट्रांसफर कर जाएगा, क्योंकि वेल्व होगा तो वेल्व के थ्रू मास ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन विदाउट वेल्व होगा, वेल्व नहीं होगा तो मास ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं पिस्टन सिलेंडर विदाउट वेल्व, ये इसमें क्या होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, क्या ट्रांसफर होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। देखिए क्लोज सिस्टम के बारे में हम जान गए, ओपन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे यहाँ पे कि दोनों ट्रांसफर होना चाहिए इसमें, और अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो ये कौन सा सिस्टम है, तो आप कहेंगे पंप हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर, ये सब क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। नोजल, नोजल भी क्या है आपका, ओपन सिस्टम होता है। इस तरह से हम, या फिर कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, इस तरह से जो डिफ्यूजर होता है वो भी हमारा क्या होता है, यहां पे ओपन सिस्टम की तरह काम करेगा। अब ये क्लोज सिस्टम हो गया तो इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो देखिए ऑप्शन में, एक क्लोज सिस्टम मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, बोल रहा है कि जो मास है वह सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, डज नॉट क्रॉस, डज नॉट क्रॉस अ बाउंड्री, यानी कि जो मास ट्रांसफर है वो मास ट्रांसफर नहीं होगा, वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा ही नहीं। जब बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा तो वो ट्रांसफर नहीं होगा। ऑफ द सिस्टम द एनर्जी मे डू, यहां पे थोड़ा सा यह, द एनर्जी मे डू सो, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है, क्लोज सिस्टम है तो मास ट्रांसफर नहीं किया, एनर्जी ट्रांसफर कर दिया, तो पहला ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो लोग फर्स्ट ऑप्शन करे हैं वो लोग सही आंसर किए हैं यहाँ पे। अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो देखिए, दूसरा मास क्रॉसेस द बाउंड्री बट नॉट एनर्जी ट्रांसफर, क्या इसमें जो क्लोज सिस्टम है इसमें मास ट्रांसफर कर रहा है, नहीं कर रहा, इसमें बोल रहा है कि मास क्रॉसेस द बाउंड्री, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर, यानी करने का मतलब ना तो ये होगा, इसमें बोला है कि ना तो मास ट्रांसफर करेगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री, दोनों चीज अगर ट्रांसफर हो जाएगा, मास भी ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगा, इस ऑप्शन से हम कह सकते हैं कैसा सिस्टम होगा, वो ओपन सिस्टम है। लेकिन क्वेश्चन किससे पूछा है, क्लोज सिस्टम से पूछा है, तो क्लोज सिस्टम के लिए मास ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो आपका, जैसे कि थर्मल फ्लास्क आप घर में यूज करते हैं, हॉट कॉफी वगैरह उसमें रखते हैं, तो देखते होंगे कि उससे, उसमें अगर 5 लीटर आप मान लेते हैं कि हॉट कॉफी आप रख दिए हैं, तो वो 5 लीटर का 5 लीटर बना रहेगा, यानी उससे कोई मास ट्रांसफर नहीं किया,
और उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो भी आपका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है अगर वो हैवी इंसुलेशन अच्छे तरीके से इंसुलेट किया हुआ है। तो इंसुलेशन जो करते हैं, जो आपका बोतल होता है, थर्मल फ्लास्क होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम जब परत लगाते हैं तो उसके बीच में गैप छोड़ देते हैं और उसमें हवा डाल देते हैं। हवा का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जो उसमें चालकता होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो बहुत कम होती है, जिससे कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। यानी कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम बोल दे तो ना तो उससे मास ट्रांसफर करेगा, ना तो उससे एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस यूनिवर्स से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता है, तो ये हमारा आप कह सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पे आएगा। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे तीनों का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप तीनों का क्वेश्चन का आंसर इजी वे में कर पाएंगे, यहां से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओपन बोला तो दोनों ट्रांसफर, मास बोला सॉरी क्लोज बोला तो मास ट्रांसफर नहीं करेगा, क्योंकि क्लोज है एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड है तो ऐसे में ना आइसोलेटेड में पूरा का पूरा आइसोलेटेड हो जाता है, ना तो वो मास ट्रांसफर करेगा, ना तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग बोलते हैं। चलिए यहां पे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, जो जितने भी लोग लाइव है सब लोग फटाफट मैसेज करें, सब लोगों का आंसर भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय घबराना नहीं है, टू द कॉन्सेप्ट सही अप्रोच के साथ जाएंगे, 100% आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपको हम ये गारंटी देते हैं, अगर मेरा पूरा का पूरा क्लास अगर ऑब्जर्व करते हैं, आप सही से करते हैं, तो आपको हम थर्मल थर्मल में जो थर्मोडायनामिक्स का जो पार्ट है या थर्मल का जो भी पार्ट है वो आपके जहन में हम भर देंगे, वहां से आप गलती नहीं के बराबर करेंगे। चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहां पे कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा मन मकसद ये नहीं था कि क्वेश्चन करा करके निकल जाए, इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये है कि यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जैसे ही बोलेगा तो हम कहेंगे जीरो केल्विन पे जो भी टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो लगा हुआ, देखिए यहां पे जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो जीरो केल्विन। अगर सिर्फ रहता कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, सिर्फ आपको मेंशन रहता कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब है कोई भी केल्विन में अगर तापमान दिया हुआ, कोई भी केल्विन में अगर टेम्परेचर गिवन है, तो वैसे टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। लेकिन अगर बोल देगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो वो जरूरी है कि वो केल्विन में तो होगा ही, वो जीरो केल्विन होना चाहिए, वो जीरो केल्विन होना। अगर यह जीरो केल्विन होगा तो क्या इसको रफली हम -273.15 डिग्री सेल्सियस नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड में +273.15 को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। किसी भी टेम्परेचर को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग इतना ऐड करते हैं, लेकिन रफली लोग क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड +273 यूज कर लिया जाता है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। लेकिन स्टैंडर्ड वे है कि इसमें 0.5 भी होता है, ये हमारा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमारा क्या कह रहा है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि जीरो केल्विन इसके लिए इज अटेंड व्हेन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो। गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो, दूसरा है प्रेशर ऑफ द गैस जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वैसे होता नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहने का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत न्यूनतम तापमान हो गया, ऐसा अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा अटेंड कर लिया तो इस कंडीशन में जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्थिर हो जाते हैं, इतने ठंडे पड़ जाते हैं, इतने स्थिर पड़ जाते हैं कि उनका मूवमेंट नहीं होता है। जब उनका मूवमेंट नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी एनर्जी डेवलप नहीं होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी की यहां पे बात ही नहीं होगी। तो मोस्ट जो एप्रोप्रिएट आंसर आपको दिख रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज जीरो, यानी कि वो पूरा का पूरा स्थिर हो जाता है, वो बहुत ही -273.15 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, उस मॉलिक्यूल्स का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। उस कंडीशन में हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा करेंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट,
सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पे ऑप्शन सी दैट इज मोर, ये मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जैसे भी मिले, अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात आए ना, तुरंत माइंड में आना चाहिए जीरो केल्विन, और जीरो केल्विन पे गैस के मॉलिक्यूल स्थिर हो जाते हैं, उसमें कोई भी मोमेंट नहीं होगा। मोमेंट नहीं होगा तो उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, यहां पे जीरो हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पे किसी को परेशानी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, ये है आपका सुपर हीटेड वेपर्स। सुपर हीटेड वेपर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि सुपर हीटेड वेपर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सुपर हीटेड वेपर को हम कैसे समझेंगे, कैसे इसको हम फील करेंगे। तो भैया फील करने का तरीका है, अगर आप इसको ग्राफिकली देखेंगे ना तो आपको ये चीजें क्लियरली नजर आएगी, आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन आपको जरूर फील आ जाएगी कि ये हमारा सुपर हीटेड रीजन है, ये हमारा सुपर हीटेड वेपर है। वो आपको क्लियरली हम इस ग्राफ के जरिए दिखाना चाहते हैं। इसको यहां पे देखिए, ये आपका मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर वर्सेस ये एंट्रोपी का ग्राफ है। एक ये सेचुरेशन लाइन, इसको बोलते हैं सेचुरेशन लाइन, ये हमारा सेचुरेशन लाइन होता है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, बोला जाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वैसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पे हमारा सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर मीट करता है, ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसका मतलब है इस पॉइंट के, इस पॉइंट से इधर इस लाइन के ऊपर हमारा सैचुरेटेड लिक्विड होगा, इस पॉइंट पे इस लाइन पे हमारा सैचुरेटेड वेपर होगा, इधर हमारा सैचुरेटेड वेपर होगा, इधर हमारा सैचुरेटेड लिक्विड होगा। ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन है। अगर हम बात करेंगे इस ग्राफ के अंदर, अगर हम बात करते हैं ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए यहां पे इसके, अगर हम इसके लिए बात करते हैं यहां पे कि इस कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर वाले टर्म को यहां पे हम दिखाएंगे तो ध्यान रखिएगा ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, यानी कि इस लाइन पे पूरा का पूरा लिक्विड, पूरा का पूरा प्योर लिक्विड है, उसके अंदर कुछ भी गैस की मात्रा नहीं है। उस लाइन के ऊपर, उस लाइन पे चले गए तो वो पूरा का पूरा लिक्विड है, इस लाइन पे अगर हम चले गए तो वो पूरा का पूरा वेपर है, उसमें कुछ भी ड्रॉपलेट्स लिक्विड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इधर के बारे में बात करेंगे, ये वाला जो रीजन है ये हमारा सबकुल्ड रीजन में आता है। कौन सा रीजन में आएगा? ये हमारा सबकुल्ड रीजन में आएगा। इसका मतलब है कि ये लिक्विड है, इसके इधर तो लिक्विड ही होगा, और भी टेम्परेचर गिराते चले जाएंगे और भी टेम्परेचर, ये तो लिक्विड ही मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे वो हमारा प्योर लिक्विड, प्योर सेचुरेटेड लिक्विड मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर, चूंकि ये टेम्परेचर है ये एंट्रोपी है, अगर हम इस लाइन पे बढ़ रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा, तापमान बढ़ रहा, यहाँ पे लिक्विड का पूरा लिक्विड बन गया, पूरा सेचुरेटेड लिक्विड। और भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस लाइन पे देखिए, इस लाइन के ऊपर जो तापमान है, इस लाइन पे हमारा तापमान नहीं बदल रहा है, हमारा तापमान नहीं बदल रहा है, लेकिन लिक्विड जो है वो अपना फेज चेंज कर रहा है। लिक्विड क्या कर रहा है? अपना फेज चेंज कर रहा है, इसलिए उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट कहने का मतलब है एक ही तापमान पर, एक ही टेम्परेचर पर अपना सब्सटेंस क्या करेगा? फेज चेंज कर लेगा, उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। इसका मतलब है तापमान हमारा सेम है, ये तापमान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तापमान यहां देखिए, तापमान में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो भैया अगर हम आगे जा रहे हैं, तापमान में चेंजिंग नहीं हो रहा, यहां पूरा का पूरा लिक्विड था, लेकिन हम जब आगे बढ़ेंगे, आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम गैस की तरफ बढ़ रहे हैं, गैस की तरफ बढ़ रहे, चूंकि ये पूरा का पूरा गैस फॉर्म बन जाता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहां लिक्विड है, आगे बढ़ रहे हैं, वो गैस लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में बदल रहा है, बदल रहा है, पूरा का पूरा यहां आकर के गैस बन जाएगा, लेकिन तापमान नहीं बदला। इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन होगा, ये जो इतना लाइन होगा, ये हमारा, यही हमारा लेटेंट हीट बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट कहने का मतलब है एक ही टेम्परेचर पे वो अपना सब्सटेंस फेज चेंज कर सकता है, फेज चेंज करेगा, तो ऐसे हीट को वहां पे क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे। तो हमारा ये लेटेंट हीट को मिलेगा। अब जब यहां पहुंच गए
तो ये पूरा का पूरा सेचुरेटेड वेपर बन गया, ये पूरा का पूरा सेचुरेटेड वेपर बन गया। अब इसको और भी अगर हम हीट करें, और भी अगर तापमान को बढ़ाए, देखिए इस लाइन पे तापमान बढ़ रहा है, और भी इसके टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा कंडीशन होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये हमारा सुपर हीटेड रीजन में चला जाता है। ये हमारा कौन सा रीजन में चला जाएगा? ये हमारा सुपर हीटेड रीजन को बताता है, यानी कि ये हमारा वेपर बन गया है, यहाँ पे स्टीम बन गया है। अब अगर हीट बढ़ाते हैं तो ये हमारा अच्छा क्वालिटी का स्टीम बनता चला जाएगा, यानी कि वो सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा। तो उसको हम बोल सकते हैं, जो सुपर हीटेड रीजन का जो गैस होगा उसको हम अप्रोक्सीमेट गैस बोल सकते हैं। एग्जैक्टली गैस बोलना गलत है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट, यानी कि गैस की तरह बिहेव करेगा। तो जो आंसर होगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? वो हमारा डी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, हमें लगता है कि ये चीजें आपको क्लियरली वे में समझ में आ गया होगा। बताइए सब लोग, मैसेज कीजिए समझ में आ रहा है, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा सा मैसेज भी करते रहे, क्लास को इंटरेक्टिव बनाए, जितना अच्छा क्लास होगा उतना ही मजा आएगा। हमारा ये टारगेट नहीं है कि आपको 75,000 क्वेश्चन करवा देना, मेरा ये टारगेट है जो सीखो उसको वही अपने अंदर रख लो, कि कल के डेट में अगर एग्जाम में आए तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट ना छूटे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सर थर्ड ऑप्शन रिपीट, थर्ड ऑप्शन थर्ड ये है एज ऑर्डिनरी वेपर। ऑर्डिनरी वेपर बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जब सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा ना, ये सुपर हीटेड रीजन में चला जाएगा तो वो गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इसको हम लोग गैस की तरह ट्रीट करेंगे, वो गैस के फॉर्म में चला जाता है, इसलिए वो करेक्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक हीट of air, specific heat of air at constant pressure। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन में यही खासियत होता है कि क्वेश्चन में ही सब छुपा रहता है। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, वो क्वेश्चन कर देगा। क्वेश्चन को समझिए बारीकी से, कह रहा स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट बोलते किसको है? सबसे पहली चीज तो आपके सामने ये आ गया कि भैया स्पेसिफिक हीट होता क्या है। स्पेसिफिक हीट कहने का मतलब है कि अगर हम फिजिकली इसको फील करेंगे ना कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी सब्सटेंस के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बताता है। स्पेसिफिक हीट का जो फिजिकल मीनिंग है कि वह कितना एनर्जी को अपने अंदर रख सकता है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बताता है, वही स्पेसिफिक हीट होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मेटल है, अगर उसको हीट किए तो वो थोड़ा देर के बाद ठंडा हो जाता है, अपने पास हीट को नहीं रख पाता। इसका मतलब उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है? कम होता है। वो इजिली हीट को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि वो एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, वो ठंडा पड़ जाता है। इसका मतलब है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, वो हीट को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन उसकी स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? कम है, इसलिए वो थोड़ा कम ही टाइम तक अपने पास रख पाया। जिसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, जिस भी सब्सटेंस का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा ना, इसका मतलब वो ज्यादा देर तक आपको, यानी कि कह सकते हैं हीट को अपने आप में रख पाएगा। तो जो स्पेसिफिक हीट होता है वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बताता है, हीट के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बताता है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। हम लोग चलते हैं यहां पे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू होती है, ये होती है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर आप इसको किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे 1.005 वैल्यू होता है, ये 1. सब लोग करेक्ट कर लेंगे, यहां पे 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन, यहाँ पे किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी होता है। तो ये स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बोल रहा है। अगर हम यूनिट के बारे में बात करेंगे, देखिए यहां से स्पेसिफिक हीट ये है हमारा, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी होगा। अगर क्यू को किलो जूल में अगर हम बोलते हैं, हीट जो है हमारा किलो जूल में है, मास हमारा किस में है, तो केजी में है। डेल्टा टी
टेम्परेचर में अंतर है, तापमान में अंतर है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस गिवन हो तो आप डिग्री सेल्सियस बोलिए या फिर केल्विन बोलिए, बोथ आर करेक्ट। यानी कहने का मतलब है या तो आप केल्विन बोले या तो आप डिग्री सेल्सियस बोले, दोनों के दोनों करेक्ट होंगे। कंफ्यूजन जहां कहीं भी आपको टेम्परेचर में डिफरेंस दिख जाए, तापमान में अंतर दिख जाए, वहां पे आप बेझिझक उस क्वेश्चन को केल्विन में रख के बनाइए, डिग्री सेल्सियस में रख के बनाइए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, वहां पे सोचना ही नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में, तो ये इसका एसआई यूनिट निकल करके आता है। तो ये कभी कभी ये स्पेसिफिक हीट का यूनिट भी पूछ लेता है। ये नहीं घबराना है कि किलो जूल पर केजी केल्विन होगा कि किलो जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। जहां डेल्टा टी आएगा ना, तो उसके लिए ध्यान में रखेंगे वह केल्विन लिखे या डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें करेक्ट कर लीजिए 1.005 होता है। ये तथा आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट था। थोड़ा सा टर्म के बारे में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होता है, इसकी वैल्यू होता है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। एक ही याद नहीं रखना है, आपको बहुत सारे टर्म को याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं कि पांच ही चीज जानते हैं, पांच के जरिए आपको 25 जानना है। ऐसा अपने आप को बनाइए कि उस एरिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। यानी कि सीपी की वैल्यू इतनी होती है तो सीवी की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अब आप जानते हैं मेयर्स जो इक्वेशन होता है, एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, वो मेयर्स इक्वेशन होता है। आइडियल गैस के लिए जो इक्वेशन होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन बोलेंगे इसको, याद रखेंगे ये हमारा मेयर्स इक्वेशन होता है, ये हमारा मेयर्स इक्वेशन होता है। किसके लिए होता है, तो ये हमारा आइडियल गैस के लिए होता है। किसके लिए होगा, तो ये हमारा आइडियल गैस के लिए होगा। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आर होता है, ये हमारा आइडियल गैस के लिए होगा, इसको हम लोग मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। अगर सीपी का मान पता है, सीवी का मान पता है, दोनों को माइनस कर देंगे तो आर का मान यहां पे पता चल जाएगा। तो यहां से आप तीनों का आंसर कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि सीपी सीवी ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया। ये सीपी बोला तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट को रखते हुए स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करते हैं, और अगर सीबी के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हम लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा सीपी सीवी का वैल्यू है, उसके यूनिट को भी ध्यान में रखेंगे। अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इसको मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, आर की वैल्यू, आप दोनों को माइनस कर देंगे तो वो आर का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि इसमें कंपटीशन कैसे पता चलेगा। सौरभ अवस्थी जी, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? देखिए आप क्लास को सही से, सर सभी को चैट शो नहीं होती, सर सभी की चैट शो नहीं होती। कोई बात नहीं, आप लोग जहां नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिए। चलते हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक में किसी को कोई परेशानी अगर है तो बोल दीजिए। आज से याद रखेंगे स्पेसिफिक हीट करने का मतलब है कि सब्सटेंस के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बताता है कि वो अपने पास कितना हीट को रख पाता है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब ये नहीं है कि एक चीज हम सिर्फ टिक टिका करके निकल गए। भैया एक क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें जितने भी तरीके के आंसर, जितने भी तरीके के क्वेश्चन के ये आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, उसको हम लोग यहाँ पे बाहर करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि आपका 20 क्वेश्चन पर डे हो जाए, हम ये चाहते हैं कि आप 15 क्वेश्चन ही सीखे, लेकिन उस 15 क्वेश्चन के जरिए आप 60 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, 60 से 70 क्वेश्चन का आप आंसर अच्छे से कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो जो क्वेश्चन है आपके सामने, पांचवा क्वेश्चन ये है कि विच लॉ स्टेट्स, कौन सा लॉ कहता है दैट द एन इंटरनल एनर्जी, दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा लॉ है जो ये बोलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वनली, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वनली। वो कौन सा लॉ कहता है, वो हमारे जूल साहब कह के गए थे, यानी कि उसको हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। ये जो हमारा दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये जूल्स लॉ, हमारा आंसर तो जूल्स लॉ ही होगा। यानी कि जूल्स ने ये बोला था, जूल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बोला था कि जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारा फंक्शन है टेम्परेचर
वनली, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसका फंक्शन होगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फंक्शन में है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, ये इसके डायरेक्ट फंक्शन में। किसने बोला? वो हमारा जूल्स ने बोला। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ बोलते हैं। ये हमारा जूल्स लॉ है। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है प्रकाश कुमार, प्रकाश राज, बिल्कुल फाइव का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर हम बात करेंगे यहां पे, जो पहला ऑप्शन है वो हमारा चार्ल्स लॉ के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा हम सबके बारे में जान लेते हैं। चार्ल्स ने अपने नियम में क्या कहा कि जो चार्ल्स का जो नियम है, इसमें बोला कि जो प्रेशर है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट, आप जानते हैं आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एम आर टी, दैट इज अ फेमस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, दैट इज अ फेमस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस बोले पीवी इक्वल टू एम आर टी, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए पीवी इक्वल टू एम आर टी। प्रेशर को बोल दिया कांस्टेंट, ये टर्म को बोल दिया कांस्टेंट, मास उस गैस का कांस्टेंट है, ये आर जो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम है, ये जो आप यहां पे वॉल्यूम देख रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का हो गया। इसका मतलब है कि चार्ल्स ने बोला कि अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? घटेगा। ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है। और जैसे ही आइडियल गैस इक्वेशन आप यूज करते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भैया तापमान जो यूज करेंगे वो हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करके यूज करेंगे बनाते समय क्वेश्चन। हमेशा आइडियल गैस का जहां भी चर्चा हो जाए उस कंडीशन में कुछ नहीं सोचना है। पीवी इक्वल टू एमआरटी दिया हुआ है, कुछ नहीं सोचना है। टेम्परेचर के बारे में अगर बात हो ना, तो वहां पे तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि तापमान हमारा केल्विन में हो, केल्विन में हो, केल्विन में हो, कुछ नहीं सोचना है। डिग्री सेल्सियस को फटाक से आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? आप तुरंत उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। रफली हमने बोला था केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड जो भी गिवन होगा उसमें प्लस 273 यूज कर लेंगे आप, यानी कि जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इस रिलेशन से तापमान बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा। इसी को लिखने का तरीका होता है, अगर V2 बाय V1 लिखे तो इसको हम लोग T2 बाय T1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा। ये 2/1 होगा तो ये 2/1 होगा, ये V2/V1 होगा तो ये T2/T1 होगा। यानी कि यहां पे इस टेम्परेचर पे किसी भी चीज का इस ये वॉल्यूम गिवन है तो इस टेम्परेचर पे पूछ लेगा कि बताइए उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझेंगे, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को कांस्टेंट प्रेशर मान करके ट्रीट करते हैं। ये हमारा प्रेशर, इसमें क्या है? यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और इसके अंदर गैस भरे हुए हैं। अगर इसके पहले अगर हम मान लेते हैं कि इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, इतने वॉल्यूम में ये गैस भरा हुआ है तो इनिशियली इसका कुछ वॉल्यूम होगा। इसके अंदर गैस है तो मान लेते हैं कि इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। मान लेते हैं वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर कितना है? T1 है। अब अगर इसको हम हीट सप्लाई करते हैं तो जाहिर से बात है अगर ये गैस हीट लिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये पिस्टन ऊपर और जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी और ये एनर्जी इस पिस्टन को उठाने का काम करेगा, क्योंकि ये गैस एक्सपेंड करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। उस कंडीशन में ये पिस्टन चेंज हो जाएगा। इसीलिए इस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है तो इस टेम्परेचर पे पूछ लेगा ये वॉल्यूम कितना होगा। तो आप यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसके हेल्प से? ये चार्ल्स लॉ के हेल्प से यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करेंगे यहां पे चार्ल्स लॉ, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट, आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आता है। तो इसके लिए अगर ग्राफ के बारे में बात करें, थोड़ा सा ग्राफ देख लीजिए कि ग्राफ कैसा होता है। इसके लिए ग्राफ जो बनेगा, किसके किसके बीच ग्राफ होगा भैया? तो ये वॉल्यूम है तो यहां वॉल्यूम रख दीजिए, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर रख दीजिए। तो जो ग्राफ है ये जितना बढ़ेगा ये इतना बढ़ेगा, ये जितना घटेगा वो इतना घटेगा। तो इसका ग्राफ जो होगा वो लीनियर होगा, लीनियर होगा, लीनियर होगा, लीनियर होगा। यानी ऐसा ग्राफ बनेगा, चार्ल्स लॉ के जरिए ऐसा ग्राफ बनेगा। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चार्ल्स लॉ था, ये आपका जूल्स लॉ था। अब हम लोग चलते हैं रेग्नॉल्ड्स लॉ और फिर हम लोग बॉयल्स लॉ के ऊपर आएंगे। और आज के बाद आपके अंदर वो ताकत हो जानी चाहिए कि आप किसी को भी ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं।
आप ऐसा बना लीजिए तो आपको बहुत मजा आएगा। एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर रहेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वो क्वेश्चन अपने आप होते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंस लूज हुआ गए काम से, कॉन्फिडेंस बना हुआ है एग्जाम आपका बेहतर होगा। तो इसलिए हम लोग उसी एनर्जी के साथ सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है आपका लॉ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो रेगनल्स लॉ होता है ये क्या कहता है कि जो सीपी है एट प्रेशर कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर कांस्टेंट और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा चेंज नहीं कर रहे, नहीं चेंज करेगा, ये कांस्टेंट होगा। आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, ये हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कौन बोलता है? ये रेगनॉल्ड्स लॉ बोलता है। आप प्रेशर कितना भी बढ़ा ले, आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लें, जो सीपी और सीवी होगी ना उसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ये किसने बोला भैया? तो ये रेगनॉल्ड्स लॉ ने बोला है। बस इतना ही इसके बारे में जानेंगे। वैसे पूछा नहीं जाता ज्यादा, फिर भी आप रफली इसको ध्यान में रखेंगे, यानी कि सीपी और सीवी कांस्टेंट होता है किसी भी कंडीशन में। सारे कंडीशन में आप कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी कंडीशन, इन दोनों के किसी भी कंडीशन में घट बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है सीपी सीवी के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। बॉयल्स लॉ के ऊपर में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो बॉयल्स लॉ है इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बॉयल्स लॉ के लिए हमारा जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट होता है। बॉयल्स के लिए हमारा टेम्परेचर यानी कांस्टेंट होता है। तो जो जानते हैं आप पीवी इक्वल टू क्या होता है? एम आर टी होता है। अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट होता है, ये मास कांस्टेंट है गैस का, तो रिलेशन तो इसी में होगा। तो पीवी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसको आप सी बोलते हैं। यहां से P जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा, वन अपॉन में V का समानुपाती हो जाएगा। ये कांस्टेंट को हम यहाँ पे रफली कन्वर्ट कर दिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो ये हमारा वन अपॉन में V आ गया, वन अपॉन में V आ गया। तो हम कह सकते हैं अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर उसके अंदर घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। ये कहां का लॉ है? ये हमारा बॉयल्स लॉ है। इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? तापमान कांस्टेंट रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है। तो इसको लिखने का तरीका जो है उस तरीके को भी देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखने का तरीका है उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो रिलेशन हमारा उल्टा है। अगर हम इसको पी टू बाय पी वन लिखेंगे तो ये हमारा वी वन बाय वी टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में है, ये हमारा उल्टा रिलेशन में है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसलिए पी टू बाय पी वन होगा तो ये वी वन बाय वी टू होगा। इस कंडीशन में इस वॉल्यूम पे पूछ लेगा कि ये प्रेशर है तो इस वॉल्यूम पे कितना प्रेशर होगा? ये प्रेशर होगा। इस तरह से बॉयल्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर ग्राफिकली अगर हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये आपका इस तरह का दिख रहा है, तो जो ग्राफ बनेगा पी और में, जो वी में ग्राफ बनेगा, ये पी है और ये वी है, इसमें ग्राफ आपका इस तरह से हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, ये हाइपरबोलिक, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, हाइपरबोलिक कर्व बनता है। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, चार्ल्स लॉ बोल दे, जूल्स लॉ बोल दे, रेगनॉल्ड्स लॉ बोल दे या बॉयल्स लॉ बोल दे, आज से आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि फ्री एक्सपेंशन के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। जब हम आपका डेमो दिए थे तो उसमें हम फ्री एक्सपेंशन के बारे में बात किए थे, क्योंकि हमको इस फ्री एक्सपेंशन से ना बहुत प्यार है। कोई कोई एक टर्म ऐसा होगा ना, जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के उस टर्म से आपको इतना ज्यादा प्यार होगा ना कि उससे उसको आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं, ऐसा फीलिंग आएगा। तो वही सेम चीज यहां पे है। इस क्वेश्चन को करवाने का मतलब है कि इससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, दैट इज द ब्यूटी। हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे कि इसके अंदर कितनी ब्यूटी छुपी हुई है, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन है आपका छठा नंबर। जो क्वेश्चन है वो है वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो
बोल रहा है कि फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन जो प्रोसेस है उसमें वर्क डन क्या होता है। तो सिंपल तौर पे अगर हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन को, अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री एक्सपेंशन को सीख लीजिए। एक बार फिर से हम यहाँ डिस्कस कर देते हैं, आज के बाद इससे रिलेटेड जो भी आंसर आएंगे वो सारे के सारे आपके आंसर बनने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। फ्री एक्सपेंशन, इनका जो वाल है, एक कंटेनर है, इनका जो वाल है, इस वाल को हमने कर दिया इंसुलेट, इस वाल को हमने क्या कर दिया है, इंसुलेट कर दिया है, और इसके अंदर गैस भरे हुए हैं, इसके अंदर गैस भरे हुए हैं, ये गैस है, सॉरी इस तरह से इसके अंदर यहाँ पे गैस भरे हुए हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन गिवन है, ये पार्टीशन दिया हुआ है, यहाँ पे इस तरह से एक पार्टीशन लगा हुआ है, ऐसे इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक बोल सकते हैं आपका कि पार्टीशन गिवन है, ये पार्टीशन दिया हुआ है, ये इस तरह से सोच लिए पार्टीशन है, इसके अंदर ये गैस भरे हुए हैं, इनका अपना वॉल्यूम है, अपना टेम्परेचर है, पूरा एक वॉल्यूम है। इस पूरे कंटेनर को हम मान लेते हैं एक सिस्टम, पूरे कंटेनर को हम क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं। आप अपने अनुसार किसी को भी सिस्टम, हम अपने अनुसार इसको भी सिस्टम मान सकते थे, हम पूरे को सिस्टम मान लिए। जब पूरे को सिस्टम मान लिए, इधर हमारा गैस भरा हुआ है, इस साइड हमारा वैक्यूम है, इस साइड हमारा वैक्यूम है, खाली खाली पड़ा हुआ है। जैसे यहां पे लीकेज होगा, जैसे यहाँ पे छिद्र होगा, लीकेज होगा, ये गैस जो है अचानक इससे फ्लो करना शुरू करता है, एक वेरी माइन्यूट एपर्चर का यहाँ पे अगर हम होल कर देते हैं तो ये गैस जो है अचानक फैलने का कोशिश करेगा, यानी कि वो फ्री टू एक्सपेंड होगा, फ्रीली वो एक्सपेंड होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको जगह मिल जाएगा काफी, वो आसानी से फैलना चाहेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, ये सिस्टम है, इस सिस्टम से चूंकि ये इंसुलेट किया हुआ है, तो इंसुलेट किया हुआ तो आप कहेंगे हीट ट्रांसफर सर जीरो होगा। अब कहेंगे कि सर इस बाउंड्री तो हमारा सिस्टम तो ये हमारा का पूरा है, इस गैस को तो ये गैस तो अंदर सिस्टम के अंदर ही रहा है, सिस्टम से बाहर गैस जा ही नहीं रहा है। और वर्क होने के लिए ध्यान रखेंगे, कब जब कभी भी वर्क की बात आए ना, तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि वर्क तभी होगा जब सिस्टम के बाउंड्री को वो चीज क्रॉस करेगा। यहां देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम, ये गैस फैल गया, इसके अंदर फैल गया फैल गया, लेकिन ये क्या बाउंड्री से बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये हमारा दीवाल है, इसको हमने इंसुलेट कर दिया, इससे कहीं ट्रांसफर बाहर नहीं जा रहा, ये इसके अंदर ही फैल गया। तो हम कहेंगे इसके अंदर जो वर्क ट्रांसफर होगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जो वर्क होगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, कि अगर इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, इस वॉल्यूम वॉल्यूम इतना था, इस कंडीशन में जैसे ही वो गैस फ्री टू एक्सपेंड हुआ, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवाल्स में इस तरह से हिट करेंगे, दीवाल्स में हिट करेंगे, दीवाल को हिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस टेम्परेचर पे जैसे ही वो फ्री टू एक्सपेंड हुआ, उसका तापमान गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मूव कर गया, उसका टेम्परेचर घट जाएगा। टेम्परेचर घटा, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स तब तक में इस दीवाल को हीट कर दिया, दीवाल को हीट कर दिया, और जब दीवाल को हीट कर दिया उसके बीच में फ्रिक्शन हो गया, और जब फ्रिक्शन हो गया तो उसके बीच में फ्रिक्शन होने के बाद उसमें क्या होता है, टेम्परेचर पैदा हो गया, तापमान फिर से उसका बढ़ गया। तो फ्री टू एक्सपेंड हुआ, तापमान घटा, जैसे ही दीवाल से कोलाइड किया वैसे ही तापमान इसका फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। और वो बढ़ करके कितने तापमान पे गया, जो पहला तापमान था उसी तापमान को वो छू लिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इंसुलेट किया हुआ है, बाहर से कोई एनर्जी आ ही नहीं सकता है, ना तो घट सकता है। जिस टेम्परेचर में था उसी टेम्परेचर में वो फिर से पहुंच गया। यानी आप कह सकते हैं कि दीवार को हिट किया तो फ्रिक्शन हुआ, और अगर फ्रिक्शन आ गया ना किसी प्रोसेस में, तो आप रफली यहां पे सोचना नहीं है, आप यहां पे तुरंत आंसर करेंगे, फ्रिक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। यानी आप ऐसे प्रोसेस को, फ्री एक्सटेंस प्रोसेस को, आप कौन सा प्रोसेस नाम देंगे, इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इस दीवार को हिट किया, फ्रिक्शन डेवलप हुआ, जब फ्रिक्शन आ गया तो भैया वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो जो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो हमारा थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं रहा, इसीलिए टेम्परेचर कहने वाला पहले कुछ और था, फिर घटा, फिर हिट किया, तो फिर टेम्परेचर क्या हो गया, यहां पे बढ़ गया, लेकिन टेम्परेचर उसी तापमान में पहुंच गया, टेम्परेचर जो पहले था वही हो गया। तो उस कंडीशन में अगर हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, क्या इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं?
आइसोथर्मल प्रोसेस इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तापमान तो सेम हो गया, टकराने के बाद फिर से तापमान सेम हो गया, क्या इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में ना थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, फिर टेम्परेचर उस लेवल को आ रहा है। इसका मतलब है कि वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होगा तब ही वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अगर इक्वेशन लगाते हैं तो डी डैश क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू डैश, सब लोग जानते होंगे दैट इज द फेमस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन होता है। तो इंसुलेट क्या हुआ, हीट ट्रांसफर जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, हमारा जीरो होगा, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। इसका मतलब है कि जो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगा वो इनिशियल इंटरनल एनर्जी की क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। इस क्वेश्चन के जरिए एक क्वेश्चन का आंसर यहां भी होगा, प्री एक्सपेंशन प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, हीट ट्रांसफर जीरो होना चाहिए, वर्क ट्रांसफर जीरो होना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होना चाहिए, यानी कि इतने तरह के क्वेश्चन के आंसर इसमें बन सकते हैं, इतने तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, मैक्सिमम एग्जाम में आया हुआ है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, कुछ सोचना ही नहीं है। वर्क डन पूछा है तो वर्क डन क्या हो रहा भैया, जीरो रहा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा, इसके अंदर ही हो रहा है, चूंकि हम इस पूरे को सिस्टम मान लगे हैं। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी हमें लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है ये है कि इफ ए गैस इज हिटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम को क्या रख दिया गया है यहां पे, कॉन्स्टेंट रख दिया गया, उसके बाद बोल रहा है कि प्रेशर के अगेंस्ट हम अगर हीट करेंगे तो देन वर्क डन विल बी इक्वल टू। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रख दिया गया और आप जानते हैं कि क्लोज सिस्टम में अगर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो जो वर्क होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन पीडीवी होता है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब है कि आप कितना भी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा लो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, 5 मीटर क्यूब है, वो चेंज नहीं हो रहा है, कितना भी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाओ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, यहां पे जीरो होगा। चेंज इन वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो। क्यों? क्योंकि अगर चेंज इन वॉल्यूम अगर हम बोले, चेंज इन वॉल्यूम बोले तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है पहले अगर 5 मीटर क्यूब है तो फिर भी 5 मीटर क्यूब ही है, वो चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, जीरो। तो ये टर्म जीरो, इसका मतलब वर्क ट्रांसफर हमारा क्या होगा इस कंडीशन में, जीरो होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, यही पे क्वेश्चन बन गया था। बिल्कुल प्रकाश राजी, बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश कंफ्यूजन है सर जी, प्रकाश कुमार गुप्ता को क्या कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कौन सा आपका कंफ्यूजन रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन हिट, हमने बताया था आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, मे डज नॉट क्रॉस बाउंड्री थ्रू एनर्जी मे डू सो, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दैट इज द करेक्ट आंसर। आइसोलेटेड सिस्टम से ना तो मास ट्रांसफर होगा ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक्स कोऑर्डिनेट, प्रॉपर्टीज की जहां भी प्रॉपर्टीज का बात आए थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज का जहां भी बात आए तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए, प्रॉपर्टीज आर, ऑल थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, ऑल थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ कैसा भी हो
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी पाथ से जाइए कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर पॉइंट फंक्शन, ये हमारा पॉइंट फंक्शन होगा। अगर प्रेशर के बारे में बात करेंगे, चूंकि प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर है प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी है प्रॉपर्टीज है, तो ये हमारा सारे के सारे जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सब के सब क्या होंगे, पॉइंट फंक्शन होंगे। रियल फंक्शन कोई टर्म नहीं है। साइक्लिक फंक्शन कहने का मतलब है जो साइकिल में वर्क करता है वो हमारा साइक्लिक फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन के बारे में बात करें, अलग अलग पाथ पे गए, इस पॉइंट से यहां जाना है, पाथ ऐसा भी हो सकता 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 है। अगर ये इस पॉइंट से ए से बी जा रहे हैं, अगर इस पाथ से जाए, इस पाथ से जाए, इस पाथ से जाए, सारे पाथ में उसकी वैल्यू अगर आपका सेम आ जाता है तो हम कहेंगे उस कंडीशन में कि वो हमारा क्या है। अगर सारे पाथ में वैल्यू क्या होता है अलग अलग आता है, उस कंडीशन में हम कहेंगे ये पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अलग अलग पाथ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग आती है। अगर पाथ कैसा भी रहे, इस पॉइंट पे वैल्यू समान मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स आर क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन होता है, दैट इज द आंसर, पॉइंट फंक्शन। ये हमारा पाथ फंक्शन नहीं होगा। तो जो भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी, ये सब हमारा क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट बी है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाथ फंक्शन भी आगे हम क्लियर और भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो हम बीच बीच में बोल रहे हैं नॉट, इसका मतलब समझने की कोशिश की, यही गलती करवाता है, क्वेश्चन के बीच में ही नॉट लगा दिया। बहुत लोग जल्दी जल्दी में आंसर करेंगे, अरे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टिक करके आ जाएंगे आंसर, गए काम से। क्वेश्चन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पढ़ना है कि पढ़ते समय पूरा का पूरा ध्यान क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, क्या लिखा है, नॉट या नॉट नहीं लिखा है, क्या लिखा है उसके ऊपर आंसर करेंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहां पे टर्म आता है, एक टर्म होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, एक टर्म होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक टर्म होता है यहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। एक टर्म है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा टर्म यहां पे क्या है, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो सब्सटेंस के मास, शेप, साइज पर निर्भर करता है। जो भी सब्सटेंस मास, शेप, साइज पर निर्भर करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, इसका मतलब ये पॉइंट फंक्शन है, चाहे वो इंटेंसिव हो चाहे वो एक्सटेंसिव हो। है कौन सा फंक्शन, वो पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव कब हो सकता है, जब वो मास पे डिपेंड करेगा, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। ये जब डिपेंड करेगा किस पे, ये जब डिपेंड करेगा इन तीनों चीज पे, डिपेंड्स ऑन इन तीनों चीज पे अगर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन दिस थ्री, मास, शेप एंड साइज, दैट प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग को पूछा क्या है, कौन सा इसमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो भैया प्रेशर जो है ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, टेम्परेचर है, इसको प्रेशर, प्रेशर को वॉल्यूम वगैरह से क्या लेना देना, प्रेशर को कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर को वॉल्यूम वगैरह से कोई लेना देना है, मास से कोई लेना देना है, शेप साइज से कोई लेना देना, आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी, डेंसिटी का जो टर्म आएगा, इसके बाद एक हीट का टर्म आता है, जो हीट है हमारा, इसके बारे में अगर हम हीट के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो हीट है, ये जो आप हीट का टर्म दे रहे हैं, जो डेंसिटी का टर्म होता है, एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जो डेंसिटी होता है ये हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मास क्या है आपका, मास आपका, चूंकि मास है 5 kg 10 kg, ये अपना डिपेंड करता है शेप साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जो डिपेंड करेगा, मास शेप साइज पे डिपेंड करेगा, मास शेप साइज पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारा ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, शेप साइज पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, ये भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, ये हमारा
इंटेंसिव देता है, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी देगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारा डेंसिटी क्या होगा यहाँ पे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। मास से साइज पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम से साइज डिपेंड करता है। तो जो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव अगर कह देंगे तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। दैट इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है नॉट द इंटेंसिव, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? तो हीट हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। सेंसिबल इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेंसिबल हीट, तो हीट कोई भी है तो ये आपका इस तरह से इंटेंसिव। लेकिन अगर स्पेसिफिक बोल देगा ना, स्पेसिफिक, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, जिसमें भी स्पेसिफिक लग जाए ना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को बताता है। जैसे हीट है, अगर स्पेसिफिक हीट लग गया ना तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। अगर इंथैल्पी है, स्पेसिफिक इंथैल्पी बोल देना, तो वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसके पहले स्पेसिफिक टर्म लग जाए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और स्पेसिफिक को बताने का तरीका देख लीजिए, अगर ये इंथैल्पी है, अगर इसमें मास से डिवाइड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक इंथैल्पी दे देता है। इसको हम लोग स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलते हैं, ये हमारा स्पेसिफिक इंथैल्पी होता है। और ऑल स्पेसिफिक इंथैल्पी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल स्पेसिफिक एंथैल्पी आर कौन सा प्रॉपर्टी होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इस तरह से इसके आंसर को करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, आज 10 ही क्वेश्चन किए। देखिए 10 क्वेश्चन से मतलब नहीं था, इस 10 क्वेश्चन के जरिए हमारे पास कितने सारे कॉन्सेप्ट आए। आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप 10 क्वेश्चन नहीं किए, आप यहां से 30-40 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आप ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किए। क्या बताइए, सब लोग बताइए कि मजा आया जो आज आपका क्लास था? इस रिदम में अगर हमारा क्लास चलता रहा तो कितना मजा आ जाएगा। अगर एक महीने प्रॉपर वे में अगर हमारा क्लास हो जाता है ना, गजब हो जाएगा। यानी कि आप पूरा कॉन्फिडेंट रहिए कि एक घंटा आप इधर उधर में समय बर्बाद करते होंगे, एक घंटा यहां दीजिए, देखिए कॉन्फिडेंस क्या होगा आपका। आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगा कि आपके अंदर लगेगा कि नहीं, हमारे अंदर नॉलेज है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तो ऐसे ही बढ़ेगा नॉलेज। चलिए सब लोग फटाफट मैसेज करें, बहुत मजा आया सर जी, बहुत दिनों बाद। चलिए अच्छा लगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना, उतना ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखें, आपको हम सिखाएं, ताकि आप अच्छा से अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाए। मेन मोटो है आपको एग्जाम अच्छा करना। एग्जाम अच्छा तभी होगा जब आप कूल माइंड में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते चले जाएं। जो चीज हम आपको यहाँ पे पढ़ा है ना, इस चीज को थोड़ा सा सोते समय भी रिवाइज कर लीजिएगा कि पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में सर ने क्या बोला, इस तरह से तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई कमेंट करें। चलिए सबका नाम रखिए एक बार सर जी, ताकि सब लोग जानते हैं। अनुराग जी, प्रकाश कुराज आपका है लाइव, गोविंद कुमार, राधेश्याम जी, जयशंकर प्रसाद, ये सब हैं, सारे के सारे लाइव हैं। और भी बहुत सारे लोग लाइव हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट, माय आशीष सर यू आर द बेस्ट, ओके। ये कहना है प्रकाश कुमार गुप्ता जी का। चलिए पप्पू यादव जी भी हैं यहाँ पे, ललित कुमार है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। चलिए आप लोगों के साथ काफी अच्छा लगा, क्योंकि देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट में मजा ही कुछ और होता है। टेक्निकल सब्जेक्ट पे जो मजा, एक बार फीलिंग आ गई ना तो इस सब्जेक्ट से इतना प्यार हो जाएगा ना, लगेगा को मेरा वो सोना चांदी हीरा वही है, दूसरा कोई चीज नहीं दिखाई देगा, इतना प्यार रहेगा। यानी एक एक लाइन, एक एक लिखा हुआ लाइन में बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको फिर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट सब लोगों को। सब लोग मजे की मजे में रहिए, पढ़िए मन से, दिल से पढ़िए, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो चीज अच्छा है ना वो दुनिया के सामने आ सके, ताकि हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट ने हमें खोजा, वो हमारे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमें भी वहां अच्छा लगता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव कमेंट सामने आए तो और भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, जहां दिक्कत हो आप पूछ लीजिए, और क्लास जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, जैसे अभी लास्ट में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो इस समय अगर कुछ भी परेशानी हो तो आप वहां पे मेंशन कर दें। चलते हैं, मिलते हैं सब लोगों से बाद में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। कल का टाइम आपका सेम टाइम यही रहेगा, 2-4 दिन एडजस्ट कीजिए। अभी एक क्लास आपका स्टेट का चल रहा है, स्टेट का शायद एग्जाम होने वाला है, तो अगर एग्जाम हो जाता है तो फिर आपका क्लास 8 बजे से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा देर आप यहाँ पे कंप्रोमाइज कर लीजिए। चलते हैं, ओके बाय बाय सब लोगों को।